आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नोटेल और इस वक्त ग्राउंड जीरो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हूं, जहां ऐतिहासिक परेड मैदान से सचिवालय कूच की ओर उत्तराखंड बेरोजगार की ये महारैली निकल रही है और लगातार इनके संघर्ष और नारों के साथ ये कहीं ना कहीं एक 2022 के लिए सत्ताधारी सरकार के लिए और कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये इनका एक संघर्ष है, इनका एक नारा है, मैं ना चोर हूँ ना चौकीदार हूँ, मैं सत्ता के बेरोजगारी का मारा बेरोजगार हूँ। जी हाँ, तो ये स्लोगन है, इस तरीके के नारे हैं और ये अभी यहाँ ऐतिहासिक परेड मैदान से प्रारंभ हो चुकी है। ये देख सकते हैं बेरोजगारों के बैनर तले बेरोजगारों का सचिवालय कूच है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश प्रदेश की उन सरकार के लिए, प्रदेश के उन राजनेताओं के लिए, उन चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का, चाहे वो ऐतिहासिक गांधी पार्क हो या फिर ये परेड मैदान हो, जगह जगह से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये एक आंदोलन और एक रैली का शहर बना हुआ है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार है, बॉबी पवार से जाने कुछ करते हैं। पवार जी, आज ये महारैली कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूट चुका है युवाओं का, और आज ये रैली क्या क्या संदेश इस रैली के माध्यम से देना चाहता है बेरोजगार युवा? देखिए, सरकार ये जान ले कि ये संकेत दे दिया है, ये संकेत दे दिया है युवाओं ने, यदि अब भी मांग नहीं मानी गई है तो देख सकते हैं कि युवाओं में कितना आक्रोश है। जो युवा अपने प्रदेश में खाकी पहनकर सेवा करना चाहता है उसको आप अवसर नहीं दे रहे हैं। 2014 के बाद पुलिस की विज्ञप्ति नहीं निकली है, 15 के बाद दरोगा की विज्ञप्ति नहीं निकली है। आप देख रहे हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से अनियमितताएं हो रही है, सहायक लेखाकार परीक्षा में किस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है, आईटीआई अनुदेशक और टेक्नीशियन ग्रेड टू के पद खाली हैं, वार्षिक कैलेंडर की कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वार्षिक कैलेंडर हो। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन एक नया तरीका धांधली करने का ढूंढा है, अपने चेतों को फायदा पहुँचाने के लिए नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई गई है। सर, तो मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सब काफ़ी लंबे समय से जगह जगह जहाँ पर युवा, उत्तराखंड का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है धरने पर, गांधी पार्क की बात करें, परेड मैदान की बात करें, लेकिन प्रदेश सरकार ऐसा लगता है कि कोई सुध नहीं है युवाओं की, आखिर इतनी बेसुध क्यों बनी हुई है? क्या 2022 में ये युवा कहीं ना कहीं इस सरकार को सबक सिखाने के मूड में है? नहीं, ये रैली सरकार को संदेश, ये मैसेज देने के लिए है कि युवा कितना आक्रोशित है। और ये आप देख रहे होंगे, कैमरामैन ने दिखा दिया होगा किस प्रकार से युवा आक्रोशित, अगर सरकार अब भी नहीं सुनती है तो युवा आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर सरकार को जवाब देगी। और जैसे 2017 में कांग्रेस को सीधे सत्ता से 12 सीटों पर ला दिया, वैसे ही 57 सीट सरकार को सीधे 7 सीटों पर ले आएंगे, ये युवाओं का वादा है। तो ये कहीं ना कहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की प्रतिक्रिया आपने देखी और रोडों पर बड़े जुलूम के साथ जो है युवा आज उतर चुका है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान से ये बेरोजगारों का कूच सचिवालय की ओर निकल चुका है। तमाम युवा यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हाथ में बोर्ड लेके बैठे हुए, ऊर्जा विभाग के TG2 की भर्ती जारी रखो, संतोष बड़ौनी इस्तीफा दो, ये कहीं ना कहीं संतोष बड़ौनी से ये युवा खपा है और कहीं ना कहीं जो उनकी जो कार्यप्रणाली है उससे ये निराश है, जिसको देख करके ये इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। महासचिव प्रदीप तोमर जी भी यहाँ युवाओं के इस रैली में हिस्सा लिए हुए हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, ये आज इतना बड़ा जुलूम उमड़ा हुआ है, क्या संदेश सरकार को देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से? 2014 के बाद से पुलिस की भर्ती नहीं आई इस प्रदेश में, क्या 2014 के बाद लोग रिटायर नहीं हुए? 2015 के बाद दरोगा की भर्ती नहीं आई। हम कब से मांग कर रहे हैं कि वार्षिक कैलेंडर सारी परीक्षाओं का निकालो। ये सरकार अंधी बहरी सरकार है और आज इतनी भीड़ में, इतनी तादाद में बेरोजगार लोग आए हैं इस चुनाव में, अगर अभी इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगामी चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि बेरोजगारों के हनन करने के क्या नुकसान होते हैं। इनका हम बहिष्कार करेंगे अगर आज हमारी मांगे नहीं मानते
तो इनको जो है ये सारे बेरोजगार सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंकने का। आपने सुनी कि अगर आज इन युवाओं की मांग को नहीं माना जाता है तो 2022 के चुनाव में प्रदेश सरकार को बाहर फेंकने का काम ये करेंगे। बार बार जो है भर्तियां निकालने की बात करते, सरकार विज्ञापन निकालती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो भर्तियां निकल रही है, अगर रोजगार मिल रहा है तो आज आप बताइए ना, अगर ये रोजगार दे रहे हैं तो ये सारी भीड़ क्यों आ रही है यहाँ पे? इनकी अखबारों में रोजगार दे रहे हैं, पुलिस विज्ञप्ति है 2017 से अखबारों में निकाल रहे हैं धरातल पे। अगर एक भी भर्ती आज तक इन्होंने कराई तो आप बताओ, आप भी इसी प्रदेश के, हम भी, हमने तो नहीं देखी कोई भर्ती। और मजे की बात, यहाँ पे ये लोग कहते पुलिस की जरूरत नहीं है। हरिद्वार कुंभ मेले में यूपी पुलिस को ये लोग व्यवस्थाएं बनाने के लिए बुला रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? अपने प्रदेश का युवा भूखा प्यासा मर रहा है सड़कों में, खून खून के आंसू रो रहा है, और ये यूपी पुलिस को बुला रहे हैं। अभी आप आगे बढ़ेंगे, देहरादून के अंदर व्यवस्थाएं बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस बुला रहे हैं। ठीक है, आप बुलाओ, व्यवस्थाएं बनाने के लिए बुलाओ, मगर अगर हमारे पास लोग नहीं होते, अरे आप कम कर दो सैलरी लोगों की, पर सेटल करो ना सबको। क्यों आप 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो? अगर आपके पास पैसा नहीं है 50,000 रुपए सैलरी कर दो सबकी, सबको रोजगार दो इन लोगों। और ये बात करते हैं एजुकेशन की कि पढ़ते नहीं है, वो नहीं करते। ये सारे जितने बेरोजगार पीछे घूम रहे हैं सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है और फर्स्ट सेकंड डिवीजन से सारे पास है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं सर, या तो इन लोगों ने हमें गलत चीज पढ़ाई, हमने तो जो इन्होंने पढ़ाया वही पढ़ा और हम सब लोग पास है, फर्स्ट डिवीजन से पास है, तो क्यों फिर रोजगार नहीं है? क्यों फिर रोजगार नहीं है? इसका मतलब या आपने हमें गलत पढ़ाया या फिर आप लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हो अपने प्रदेश के युवाओं। ये महासचिव की सीधी प्रतिक्रिया है कि या तो आपने गलत पढ़ाया है या फिर क्या बोलते हैं आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सब अभी कहीं ना कहीं एक युवा ने बताया कि हरिद्वार में जो है बाहर की पुलिस यूपी की पुलिस द्वारा व्यवस्था की जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पुलिस भर्ती नहीं हो रही है। जी सर, ये जो कुंभ मेला हुआ था उसमें भी जो है पुलिस भर्ती को जारी करने के लिए कहा गया था लेकिन किया नहीं गया। हमें खुशी होती है कि हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं, लेकिन जब बेरोजगार इस तरह सड़कों पे घूमता है तो दिल में कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। हम और दूसरी बात, इस उत्तराखंड सरकार में भर्ती केवल और केवल अखबारों में निकलती है, न कि आज तक इन्होंने निकाली है, जिसके कारण युवाओं में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है और जल्द से जल्द भर्ती को लाने का मांग किया जा रहा है और सरकार को इसे पूरा करना ही होगा। ये युवाओं की प्रतिक्रिया और बड़े ही आक्रोशित है युवा और ये रैली आगे निकलती हुई, लेकिन पुलिस बल तैनात है और पुलिस बल इनको भरपूर रोकने की कोशिश करेगा। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते, इस तरह के स्लोगन के साथ ये संघर्ष कर रहे हैं पुलिस बल के साथ बेरोजगार युवा उत्तराखंड का, और ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए एक संदेश है कि जरा इनको रोका जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप डीसीपी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं राजधानी देहरादून से सचिवालय कूच की, पर कहीं ना कहीं जब आगे नहीं बढ़ पाए ये युवा तो पुलिस बल के इस विरोध के बावजूद युवा नीचे बैठ गया है और ये मुख्य मार्ग पर, जैसा कि हमने प्रारंभ में भी कहा था कि क्या इसी तरीके से इनको मुख्य मार्ग पर बैठकर विरोध जताना पड़ेगा, तो वही तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं आप। सभी लोगों को बैठने का जो है छात्रों द्वारा ये अनुरोध किया जा रहा है और इसी के अनुरोध अनुसार यहाँ पर छात्र बैठ चुके हैं, अपना विरोध व्यक्त करने के लिए बैठ चुके हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन भी सौंपा गया है कि इनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है और जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक जो है प्रदेश के युवा बेरोजगार जो है वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और रैलियां जारी रखेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि पूर्व में हमने आशंका जताई थी कि कहीं ना कहीं इनको जबरदस्ती उठा दिया जाएगा, और यही तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सचिवालय के चंद दूरी पर जब बैठे हुए थे ये बेरोजगार युवा, इनको यहाँ से भारी पुलिस बल के द्वारा जबरदस्ती उठा दिया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें छात्र नेता महासचिव प्रदीप तोमर को जबरदस्ती उठा कर ले जाया गया है, उनके साथ में जो नेतृत्व कर रहे थे इस महारैली का उन सभी युवाओं को भी यहाँ से जबरदस्ती से उठाया जा रहा है, और बॉबी पंवार को जिनको बार बार पुलिस बल उठाती रही है, जहाँ भी बेरोजगार युवा धरने पर बैठा है बॉबी पंवार जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है वहाँ धरने पर आते रहे हैं युवा
बेरोजगारों के सहयोग के लिए और इनको बार बार उठाया गया है। इससे पूर्व इनको गांधी पार्क से भी इसी तरह उठाया गया था। आज पुनः एक बार इनको इन सभी युवा बेरोजगारों को जो इस रैली में शामिल थे बड़ी संख्या में इनको यहाँ से उठा दिया गया है। और पुलिस की गाड़ी आप सामने देख सकते हैं, इस गाड़ी को भर दिया गया है और गाड़ी में भी युवाओं का विरोध लगातार जारी है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या आगे किस तरीके की रणनीति बेरोजगार युवा उत्तराखंड का जो बेरोजगार युवा है वो किस तरीके की रणनीति तैयार करेगा। इसके लिए आप बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।